आज हम जानेंगे ग्राइंडर मशीन रिपेयर किस तरह होती है और इसका क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ग्राइंडर मशीन है, इसका जो प्रॉब्लम है ये अभी बिल्कुल डेड है, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि ग्राइंडर मशीन का क्या क्या प्रॉब्लम होता है और कहाँ से इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी हमारे नॉन ब्रांडेड ग्राइंडर मशीन होती है, जैसा कि ये एक नॉन ब्रांडेड होती है, तो नॉन ब्रांडेड ग्राइंडर मशीन के ये जो स्विच है, ओवरलोडर का स्विच, ये कभी कभार ओवरलोड होते ही ब्रेक हो जाता है। तो इसी स्विच में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम इस लीड को मल्टीमीटर से द्वारा इसको चेक करेंगे क्योंकि इसका लीड में करंट अंदर तक आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसका जो ये है चेक करेंगे। तो अभी हमने पावर सप्लाई दे दिया है और स्विच ऑन करके सबसे पहले इसका जो फ्यूज़ है इसको हम डायरेक्ट करके देखेंगे एक वायर की मदद से। यहाँ पर दो वायर ले लेते हैं, एक वायर ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में टच करेंगे। अगर इसका प्रॉब्लम हो जाए तो ये हमारा घूमने लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने लगाया है लेकिन इसमें कोई भी हलचल नहीं आया, घूम भी नहीं रहा। तो अभी हम मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसका जो मेन लीड है वो सही है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पर रख दिया है और अभी एक वायर को यहाँ पर प्लग में लगाएंगे, दूसरी पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे, चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक लाइन जो है बिल्कुल सही है, वर्क कर रहा है। अभी दूसरे लाइन को हम यहाँ पर चेक करेंगे, दूसरी लाइन तो यहाँ से ब्लैक वायर होते हुए अंदर तक गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कनेक्शन टूटा हुआ है, इसका जो पिन है ये बिल्कुल इसमें जंग आके ये टूट चुका है। तो यहाँ पर हम नया पिन लगाएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि वह हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। यहाँ पर यहाँ से छूटा है तो अभी देख सकते हैं हमने इसको लगाया है और यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यानी हमारा लीड बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम एक पिन लगाएंगे, नया पिन लगाएंगे और इस पर देखेंगे कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं। अगर करता है तो ठीक है, वरना हम और चेक करेंगे, इसकी कॉइल में चेक करेंगे। तो जितने भी नॉन ब्रांडेड है जैसे कि इनमें अक्सर इसका ही प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले इसी को चेक करना है। तो अभी हम इसमें नया क्लिप लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। और ये क्लिप में भी अक्सर जंग आ जाती है, तो इसका भी उपाय है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जंग आ चुका है इसमें, तो इसका भी उपाय है। हम धीरे धीरे आपको वीडियो में बताते रहेंगे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो यहाँ पर हमने नया क्लिप उठा लिया है, तो अभी इस नया क्लिप को हम यहाँ पर लगाएंगे। पुराना वाला क्लिप देख सकते हैं पूरा टूट चुका है जंग होके, और नया क्लिप को इस तरह से हमें यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह का छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है ग्राइंडर मशीन में अक्सर यही होता है, क्योंकि खास ऐसा कुछ होता नहीं है ग्राइंडर मशीन में, सर्किट एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह, बस इसका कनेक्शन होता है, स्विच का कनेक्शन होता है। जैसा कि देख सकते हैं स्विच का कनेक्शन यहाँ से टूट चुका है, और दूसरा एक प्रॉब्लम होता है इसका फ्यूज़ का, और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है कि हमारा कोयल से वायर टूट के आना। और यहाँ पर हमें कार इंजन ऑयल का यूज़ करेंगे, तो ये 100 प्रॉब्लम की एक दवा है कार इंजन ऑयल। जितने भी पॉइंट है इसमें हम कार इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि ये भविष्य में कभी भी इसमें जंग ना आए। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंटों में कार इंजन ऑयल लगा देना है। तो अभी हमने लगा दिया है और पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका जो दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कोयल में से उसका जो मेन लीड है कनेक्शन, जो कार्बन के होते हुए यहाँ पर आया है, एक लगा हुआ है वहाँ पर और एक है उस साइड में, तो एक कार्बन का जो पॉइंट है कोयल से आ रहा था ये टूट चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है यही से ही टूटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रैच करेंगे और इसको पावर सप्लाई दे के यहाँ पर हल्के से इस तरह से लगा के देखेंगे। तो इस तरह से स्क्रैच कर देना है क्योंकि ऊपर पेंट लगा हुआ रहता है। तो अभी हम इसको सप्लाई देके यहाँ पर लगा के देखेंगे कि ये घूम रहा है कि नहीं। तो अभी हमने इसको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सप्लाई दे दिया है और अभी तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, तो देख सकते हैं तो ये घूम रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे और ये हमारा वर्क करने लग जाएगा। सोल्डिंग कोयल में किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से सोल्डिंग लगाना नहीं है, सोल्डिंग वायर को कोयल के साथ अटैच करके रखना है, उसके बाद ही सोल्डिंग आयरन को यहाँ पे टच करके पिघलाना है। तो इस तरह से सोल्डिंग आपका यहाँ पे पकड़ लगा, डायरेक्टली आपको लगाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर दिया है और अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं, तो अभी हम लगा रहे हैं और यहाँ पर स्विच को ऑन कर दे, बिल्कुल कनेक्शन नहीं हुआ है इसमें। तो फिर से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल हमारा ओके हो चुका है। तो इस तरह से ग्राइंडर मशीन का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और रिपेयर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिलाम, 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 प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक घुरे एकदम ओके।